हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं रिवेटेड जॉइंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिवेट? सो रिवेट इज़ अ शॉर्ट सिलिंड्रिकल बार। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर, यहाँ पे जो सिलेंडर बार दिया हुआ है, एंड दिस इज़ हेड एंड टेल इंटीग्रल विथ इट। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ डिफरेंट रिवेटिंग मटेरियल? सो एज वी नो, ब्रिटल मटेरियल we cannot select as a rivet material, we have to select ductile material. So mild steel, aluminium, brass, copper, these are the materials that we can use for the riveted joint. Now different type of rivet head, यहाँ पे different rivet heads दिए हुए हैं, उसका जो shape है उसके हिसाब से। So this is a snap head, this is a counter sunk head, ठीक है। यहाँ पे dimension भी दिया हुआ है, वो standardized dimensions हैं, ठीक है। राउंडेड, काउंटर संक एंड कॉनिकल हेड, ठीक है। जो डायामीटर है दैट इज़ द सिलिंड्रिकल बार डायामीटर, और ये 1.6D है, ठीक है। उसके हिसाब से, उसकी कंपैरिजन में सब डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ पान हेड। नाउ हमें पता है कि रिवेटेड जॉइंट है वो परमानेंट जॉइंट है, राइट, लाइक वेल्डेड जॉइंट। और जो स्क्रू फास्टनिंग जो हमने देखा वो है टेम्पररी जॉइंट, ठीक है। तो उसके कुछ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस है विथ कंपैरिजन लाइक वेल्डेड जॉइंट एंड स्क्रू जॉइंट, ठीक है। सो एडवांटेज इज यूज टू जॉइंट दिस सिमिलर मेटल। जैसे कि हमें पता है कि वेल्डेड जॉइंट है उसमें हम दिस सिमिलर मेटल जो है, ठीक है, अलग अलग मेटल को जॉइंट नहीं कर सकते, वेल्डेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा कि वेल्डेड जॉइंट में मेटल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक मटेरियल कैन बी जॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ रिवेटेड जॉइंट? सो एक बार हमने उसको फास्टनर कर दिया, ठीक है, एक बार लगा दिया, तो उसके बाद वो डिसअसेंबल नहीं होगा, उसको ब्रेक किए बिना डिसअसेंबल नहीं होगा, जो कि हम स्क्रू जॉइंट में हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो जॉइंट है रिवेटेड जॉइंट, वो वेल्डेड जॉइंट जितना फ्लूइड टाइट, मतलब एकदम बोल सकते हैं ना कि सपोज कंप्रेसर है तो उसमें से एयर को लीक ना होने दे, ऐसा फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं है, ठीक है। इट्स अ वीकेंड पार्ट टू बी कनेक्टेड, मतलब पार्ट को वीक करता है। क्यों वीक करता है? क्योंकि उसमें जो सिलेंडर बार रहता है ना, उतना हमें ड्रिल करना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद हम रिवेटेड जॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो भी पार्ट है उसको वीक करता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जो कंपोनेंट होता है उसमें हम रिवेटेड जॉइंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें पंच डाई करना होता है, ठीक है, उसको लगाना होता है, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सो दीज आर दी एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। नाउ क्लासिफिकेशन, सो रिवेटेड जॉइंट डिवाइड इंटू टू थिंग्स, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट में है सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रपल लैप जॉइंट, और उसमें भी आगे हम देखेंगे चेन एंड जिगजैग टाइप, ठीक है। वैसे ही बट जॉइंट जो है उसमें सिंगल स्ट्रैप और डबल स्ट्रैप। स्ट्रैप का मीनिंग ये है कि उसमें जो कवर लगा हुआ रहता है, अगर एक कवर लगा हुआ है तो सिंगल स्ट्रैप, अगर दो कवर लगे हुए हैं तो डबल स्ट्रैप बोलेंगे। और उसमें भी आगे फ्रेंड्स सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्वाड्रपल एंड चेन एंड जिगजैग, दिस इज द सेम थिंग। ओके, लेट वी सी वन बाय वन। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट जो है वो हम किस तरह से बोलेंगे? यहाँ पे दो प्लेट दी हुई है, ठीक है, और ये उसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू हम बोलेंगे। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट प्लेट है, और यहाँ पे ये जो है वो सेकंड प्लेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे ड्रिल करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तीन रिवेट लगाई हुई है, ठीक है। तो सिंगल रिवेटेड मतलब कि सिंगल रो है, यहाँ पे जो लाइन है वो सिंगल है, और लैप जॉइंट, ठीक है, एक दूसरे पे लैप की हुई है। सो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सेम वे यहाँ पे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेन टाइप एंड जिगजैग टाइप का भी आगे हमने देखा क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साथ साथ में हैं, ठीक है। तो ये हुआ चेन टाइप रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। और जिगजैग टाइप में फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो रो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जिगजैग मैनर में है। सो इसे हम बोलेंगे डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट एंड डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन रो है
तो ट्रिपल रिवेटेड, अगर चार है तो क्वाड्रपल रिवेटेड, ठीक है। तो उस तरह से हम जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बट जॉइंट, तो बट जॉइंट में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कवर लगाया हुआ होगा, तो ये फर्स्ट जो कवर है ऊपर जो है वो कवर है और नीचे जो है वो दो प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कवर लगाया हुआ है तो एक रिवेट यहाँ पे और एक रिवेट यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, उसको ज्वाइंट करना है। तो ये प्लेट में एक रिवेट है और ये प्लेट में एक रिवेट है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैप, मतलब कि ऊपर एक ही कवर है तो सिंगल स्ट्रैप, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डबल स्ट्रैप, मतलब कि आप देख सकते हो ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है, तो डबल स्ट्रैप और दोनों प्लेट में एक एक रिवेट है लाइन, ठीक है, एक एक रो है। सो डबल रिवेट, डबल स्ट्रैप, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको हम बता सकते हैं कि डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप, ठीक है, जिगजैग टाइप बट जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जिगजैग मैनर में लगा है। सो जिगजैग टाइप बट जॉइंट, तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन पता चलेगा, ठीक है। अब उसकी टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। सो टर्मिनोलॉजी में गेज लाइन, सो फर्स्ट इज गेज लाइन, तो यहाँ पे जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है दैट इज कॉल्ड द गेज लाइन। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रो ऑफ रिवेट पैरेलल टू द एज ऑफ प्लेट, दिस इज अ एज ऑफ प्लेट, सो इट इज पैरेलल टू द रो ऑफ रिवेट, ठीक है। नाउ पिच, एज वी नो द वर्ड पिच, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट, मतलब कि यहाँ से यहाँ, एडजेसेंट मतलब नज़दीक की जो रिवेट है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। यहाँ पे ये रिवेट और ये रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज पिच, ओके। बैक पिच, तो बैक पिच में क्या है कि जो जिगजैग मैनर में जो उसके बाद का जो रिवेट आएगा दैट इज कॉल्ड द बैक पिच, मतलब कि इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रो। और डायगोनल पिच मतलब कि सॉरी सॉरी कन्फ्यूजन है, बैक पिच मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं पी बी, ओके, सक्सेसिव रो, एंड डायगोनल पिच मतलब इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट इन अ एडजेसेंट रो इन अ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट, मतलब जिगजैग रिवेटेड जॉइंट जो है उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डायगोनल पिच, ओके। करेक्ट कर लेना आप बैक पिच और डायगोनल पिच, ठीक है। उसके बाद है मार्जिन, तो मार्जिन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आप ये एज देख रहे हो, ठीक है, सेंटर लाइन जो देख रहे हो वहाँ से जो प्लेट की एज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द मार्जिन, ओके। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ओके। प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना पी बी एंड पी डी, बैक पिच मतलब कि दो सक्सेसिव रो के बीच का डिस्टेंस, और डायगोनल पिच मतलब कि जो जिगजैग मैनर में जो रिवेट होगी उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज ये हमने देख लिया है, ओके, कल्किंग एंड फुलरिंग। सो ये प्रोसेस क्या है, कल्किंग और फुलरिंग प्रोसेस क्या है, वो किसके लिए यूज़ होती है? तो वो यूज़ होती है कि फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए, कि सपोज आप बॉयलर में यूज़ कर रहे हो या कोई कंप्रेसर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, रिवेट यूज़ कर रहे हो, तो उसको फ्लूइड टाइट करना होता है हमें ताकि अंदर से गैस या कोई भी एयर है वो लीक ना हो, तो ये प्रोसेस उसके लिए है कल्किंग एंड फुलरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल दिया होता है उसके हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कल्किंग एंड फुलरिंग प्रोसेस, तो ये कल्किंग टूल बोलेंगे और इसको फुलरिंग टूल बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली कल्किंग एंड फुलरिंग यूज टू मेक द फ्लूइड टाइट जॉइंट इन अ प्रेशर वेसल लाइक बॉयलर, एयर कंप्रेशर टैंक एटसेट्रा। द एज ऑफ रिवेटेड प्लेट यूजुअली बेवल टू एट एंगल 80 डिग्री, यहाँ पे आप देख सकते हो जो एज है ऑफ द प्लेट इट इज़ बेवल टू 80 डिग्री, ओके, ये ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। नाउ कल्किंग, ठीक है, कल्किंग क्या है, इट्स एज इन अ कल्किंग एज ऑफ रिवेटेड प्लेट ड्रिवन बाय द नैरो ब्लंट चीजल, इसको हम चीजल बोलेंगे, ठीक है, या तो कल्किंग टूल बोलेंगे। तो इसकी विड्थ कितनी होगी, जनरली 5 mm होगी, ठीक है, और उसकी जो ब्रेथ होगी वो 38 mm होगी, ठीक है, कल्किंग टूल की। वैसे ही फुलरिंग टूल जो है उसकी जो विड्थ होगी वो प्लेट के बराबर होगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हैविंग इक्वल थिकनेस, हैविंग
इक्वल थिकनेस एट द एंड एंड फुलरिंग इज मोर गुड इन अ फ्लूड टाइट जॉइंट कंपेयर विद द कल्किंग. जनरली हम फुलरिंग यूज करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द मेथड यूज फॉर द मेकिंग फ्लूड टाइट जॉइंट, ठीक है, कल्किंग एंड फुलरिंग. नाउ नेक्स्ट, दीज आर दी डिफरेंट फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, टाइप्स ऑफ फेलियर इन अ रिवेटेड जॉइंट. तो रिवेटेड जॉइंट जो है उसमें कितनी तरह से फेल हो सकता है, ठीक है. तो फर्स्ट इज फेलियर ऑफ द प्लेट. फर्स्ट क्या है, फेलियर ऑफ द प्लेट, मतलब कि जो प्लेट है वो कैसे फेल होगी, मतलब अगर वो फेलियर हो चांस है तो वो कहाँ से है. तो टीयरिंग ऑफ द प्लेट एज, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो मार्जिन है तो मार्जिन मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 डी डायामीटर ऑफ द रिवेट, ठीक है. तो यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो मोर देन 1.5 डी होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे क्रैक दिखाई हुई है. तो इस तरह से यहाँ पे टीयरिंग हो सकता है, ठीक है. दूसरा जो है दैट इज टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट, ठीक है. तो ये जो पीच है, मतलब कि जो दो रिवेट है उसके बीच का उसके बीच यहाँ से टीयरिंग हो सकता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है. तो उसके लिए जो हमें टीयरिंग लोड जो है, ठीक है, वो टीयरिंग स्ट्रेस जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, पीटी, मतलब कि ये जो दोनों साइड से खींच रहे हैं पीटी टेंसाइल लोड, इज इक्वल टू सिग्मा टी पी माइनस डी, मतलब कि ये डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दो रिवेट के बीच का डिस्टेंस पी माइनस डी इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है. तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें पीच कितनी रखनी है, ठीक है, या तो थिकनेस कितनी रखनी है. उसके बाद शियरिंग ऑफ द रिवेट, ठीक है, शियरिंग. तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि शियरिंग लोड यहाँ पे लगेगा और एक साइड यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे जो रिवेट होगा उसके बीच यहाँ पे शियर लोड लगेगा, ठीक है, इस तरह से शियर होगा. तो उसके लिए हमें एज वी नो द शियर स्ट्रेस, दिस इज अ शियर स्ट्रेस एंड दिस इज अ शियर लोड एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शियर, ठीक है. यहाँ पे एरिया क्या है शियर का, जो डायामीटर है रिवेट का, वो तो पाई बाय फोर रिवेट डायामीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एनपी. एनपी मीन्स द नंबर ऑफ रिवेट पर पीच लेंथ. अगर रिवेट ज़्यादा होंगे तो भी मतलब स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो एनपी, ठीक है, इसीलिए है. और डबल शियर होगा अगर दोनों साइड हम शियर लगेगा, डबल स्ट्रैप हो या उस तरह से हो उसमें डबल शियर लगेगा, तो डबल शियर के लिए यहाँ पे आगे हमें टू लगा देना है, ठीक है. सो दीज आर दी फेलियर ऑफ दी प्लेट, ठीक है. कौन कौन सी है, प्लेट एज, देन टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट एंड शियरिंग ऑफ द रिवेट्स. देन फ्रेंड्स क्रशिंग ऑफ द रिवेट, ठीक है. जैसे यहाँ पे लोड लगेगा यहाँ पे क्रश होगा, क्रश, ठीक है, क्रशिंग लोड दैट यू नो. सो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, डी डायामीटर इंटू टी, ठीक है. सो डी इंटू टी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेंगे इंटू क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, ओके. सो इस तरह से हमें मिलेगा कि किस तरह से फेलियर होगा. अब स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट क्या होगी, इट्स अ मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ पी टी पी एस और पी सी, ठीक है. यहाँ पे पी सी हमने देखा, उसके बाद पी एस देखा और उसके बाद पी टी देखा. तो इसमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो हमें कंसिडर करना है कि रिवेटेड जॉइंट की वो स्ट्रेंथ है, ठीक है. और हमें एफिशिएंसी अगर फाइंड करनी है रिवेटेड जॉइंट की, ठीक है, तो ये तीनों की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम ऑफ पी टी पी एस और पी सी डिवाइड बाय ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट. सॉलिड प्लेट की ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो पी टी सिग्मा टी, ठीक है, थिकनेस पिच इंटू सिग्मा टी, ठीक है. तो इस तरह से हम एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं रिवेटेड जॉइंट में एफिशिएंसी को, ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट इन अ बॉयलर, ठीक है. तो आज के लिए इतना. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.